दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू हैप्पी पेट चैनल वंस अगेन। दोस्तों आज मैं आपके साथ एक वायरल एंड इन्फेक्शियस डिजीज लेके बात करना चाहता हूँ। ये वायरल इन्फेक्शियस डिजीज जो है इसको बोलते हैं कैनाइन कोरोना वायरस या शॉर्ट में CCV। आप जो आपका पेट को या पपीज को वैक्सीनेशन एनुअल वैक्सीनेशन देते हो, इसके अंदर एक वैक्सीन दिया जाता है जिसको कैनाइन कोरोना वायरस वैक्सीन बोलते हैं। जो वैक्सीन देने से लगभग 85-90% ऑफ आवर पेट कैन सर्वाइव और कैन प्रिवेंट द अटैक ऑफ कैनाइन कोरोना वायरस। तो कभी कभी क्या होता है, 85-90% कैनाइन कोरोना वायरस तो आपका वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट कर लेता, डिस्पाइट दैट उसके बाद भी कभी कभी कैनाइन कोरोना वायरस अटैक कर लेता है हम लोग का पपीज जो घर में रहता है या एडल्ट डॉग। तो दोस्तों मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताना चाहता हूँ ये कैनाइन कोरोना वायरस करता क्या है। कैनाइन कोरोना वायरस जो है जब कोई पपीज के शरीर के अंदर चला जाता है, कोई एडल्ट डॉग के शरीर के अंदर चला जाता है, तब उसका लूज मोशन चालू होता है। वैसे तो लूज मोशन कभी भी हो सकता है कभी भी पेट को, उसको तो नॉर्मल जो मेडिकेशंस हैं जैसे मेट्रोजिल वगैरह हो गया उससे ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये नॉर्मल मेडिकेशंस डॉक्टर देने के बाद भी 72 आवर्स बाद भी उसका लूज मोशन कंटिन्यू रहे, उसको एनोरॉक्सिक लग रहा है। एनोरॉक्सिक मतलब क्या हो गया, उसका खाने का कोई इच्छा नहीं रहेगा, उस बहुत दुबला पतला रहेगा, उसका एनर्जी लेवल जीरो हो जाएगा और सोया रहेगा, तो इसको एनोरॉक्सिया बोलते हैं। तो अगर उसका लूज मोशन चालू है एटलीस्ट 72 आवर्स, मेट्रोजिन या फर्स्ट लाइन ऑफ जो बेसिक मेडिकेशन है एंटी डायरिया उससे काम नहीं बन पा रहा है और उसका जो लूज मोशन है उसका कलर चेंज हो रहा है। दोस्तों जी हाँ, अगर आपका पेट को डायरिया हुआ है या लूज मोशन हो रहा है और उसके साथ उसका जो स्टूल है वो बहुत वाटरी है और उसका कलर कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम थिक ब्राउन टू ग्रीनिश एंड फाइनली टू ऑरेंज। अगर डीप ऑरेंज टाइप का डायरिया चालू है, 72 आवर्स हो गया, एनोरॉक्सिया, तब आपको समझ लेना चाहिए कि उसके ऊपर मोटा मोटा 100% श्योर है कैनाइन कोरोना वायरस का अटैक हुआ है। ये कैनाइन कोरोना वायरस जो है पपीज का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका जो इंटेस्टाइन है वहां जाके बैठ जाता है और एक फ्लावर फॉर्म कर लेता है। वो फ्लावर फॉर्म के बाद उसका जो डिफरेंट नोड्स है वो नोड्स के चलते हुए वो इंटेस्टाइन को आहिस्ता आहिस्ता डैमेज करना चालू कर देता है और इसके कारण उसका ब्राउन स्टूल ब्राउन से ग्रीन और ग्रीन से ऑरेंज तक पहुंच जाए। अगर वैसा होता है तो आपको इमीडिएट अटेंशन देके कुछ बेसिक लाइन ऑफ मेडिकेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। इसका 3 स्टेज है। नंबर 1 है इसका एंटी डायरियल मेडिसिन जो मेट्रोजिल है और उसके साथ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में ज्यादातर 2 टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स यूज किया जाता है। एक तो है सिप्रोफ्लॉक्सेसिन प्लस टिनिडाजोल कॉम्बिनेशन, जैसे बहुत नॉर्मल एंटीबायोटिक सिफ्रांसिटी, और अगर वो स्टूल के साथ आपको कभी भी ब्लड दिखाई दे आइदर फ्रेश और ब्लैकिश थोड़ा सा पका हुआ ब्लड उसके अंदर से आ रहा है तो आपको स्विच करना पड़ेगा फ्रॉम सिफ्रांसिटी मतलब सिप्रोफ्लॉक्सेसिन टिनिडाजोल एंटीबायोटिक से नॉरफ्लॉक्सेसिन टीजेड मतलब नॉरफ्लॉक्सेटीजेड जो भी ऑल्सो बहुत कॉमन दवाई है। अगर आपका पपीज को हुआ है तो उसको सस्पेंशन देना पड़ेगा और वो सस्पेंशन जो होता है वो नॉरफ्लॉक्सेसिन टिनिडाजोल सस्पेंशन ही आपको देना पड़ेगा अराउंड 3 times a day 5 ml करके और उसके साथ मेट्रोजिल या नॉन मेट्रोजिल आपको चालू करना पड़ेगा और उसके साथ जैसे उसको डिहाइड्रेशन होना चालू हो जाएगा वो लेथर्जिक हो जाएगा उसको ORS पिलाना पड़ेगा। ORS आप बाहर से भी ला सकते हो, घर में भी आप तैयार कर सकते हो। तो ORS एंटीबायोटिक और उसके साथ प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक इन द सेंस जो बाजार में मिलता है, मेडिसिन शॉप्स में मिलता है, हम लोग कभी कभी खाते हैं, कभी कभी हम लोगों का घर में जो बच्चा रहता है उसको अगर दूध पीता हुआ डायरिया होता है तो प्रोबायोटिक्स देते हैं, जैसे बिफिलैक्स ऐसे विजिलैक्स ऐसे, ये नॉर्मल ह्यूमन मेडिसिन काउंटर में आपको ओवर द काउंटर ड्रग के हिसाब से मिल जाएगा। सो प्रोबायोटिक मैनेजमेंट, एंटीबायोटिक थेरेपी और डिहाइड्रेशन मैनेजमेंट, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट कैनाइन कोरोना वायरस। तो कैनाइन कोरोना वायरस कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को समझ में नहीं आता है, लूज मोशन हो रहा है, डॉक्टर पहले डॉक्टर को भी पता नहीं चलता बिकॉज उसका स्टूल का अगर पूरा पूरा
टेस्ट नहीं किया जाता है तो कभी कभी पता नहीं चलता है उसको कैनाइन कोरोना वायरस हुआ है। तो अगर ये पता नहीं चल रहा है 72 आवर्स के बाद उसका ऑरेंज स्टूल होने लग रहा है तो तब क्या होगा, उसको ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वहां से हटके आपको सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में जाना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि कैनाइन कोरोना वायरस का जो स्टेज है उस स्टेज में जितना जल्दी आप प्राइमरी स्टेज में डिटेक्ट कर पाओगे आपका पेट का सर्वाइवल रेट उतना ज्यादा होगा। तो एटलीस्ट 75-80% पेट या एनिमल कैन सर्वाइव अगेंस्ट द अटैक ऑफ कैनाइन कोरोना वायरस। डिपेंड क्या करता है कि आप उसको कितना जल्दी डिटेक्ट कर पा रहे हैं। अगर प्राइमरी स्टेज में आप डिटेक्ट कर पाइएगा तो ये जो बेसिक लेवल ऑफ मेडिकेशन आपको बताया ये 7-15 डेज का कोर्स के अंदर वो ठीक हो जाएगा। अगर सेकेंडरी लेवल या नेक्स्ट स्टेज में चला जाता है तो आपका थोड़ा लाइन ऑफ डिफेंस चेंज करना पड़ेगा और उसको इंस्टेड ऑफ ओरल ORS उसको डिहाइड्रेट से बचाने के लिए उसका हाइड्रेशन प्रोसेस ठीक रखने के लिए उसको ड्रिप्स या सलाइन देना पड़ेगा, नॉर्मल सलाइन से स्टार्ट करना पड़ेगा। और जितना भी मेडिकेशन है वो मेडिकेशन आपको IV फ्लूइड्स के साथ देना पड़ेगा। और थर्ड बहुत अहम चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका जो डाइट है ड्यूरिंग कैनाइन कोरोना वायरस इन्फेक्शन वो आपको चेंज करने पड़ेगा। जो भी आप डाइट उसको देते हो मे बी एट द नॉर्मल टाइम दिस इज फाइन बट एट द टाइम व्हेन योर पेट इज अफेक्टेड विद कैनाइन कोरोना वायरस तब क्या करना पड़ेगा, आपको ब्लांट फूड देना पड़ेगा। ब्लांट फूड मतलब क्या हो गया, पका हुआ खाना, मतलब ओवर बॉइल्ड फूड। तो आप क्या कीजिएगा, ओवर बॉइल्ड राइस और ओवर बॉइल्ड चिकन विथ टर्मरिक दोनों को एक साथ मिला के थोड़ा सा पानी देके उसको घर के अंदर जो मिक्सी हम लोग के पास रहता है किचन में उसमें पूरा उसको पेस्ट कर लीजिए और उसका पूरा ब्लांट फूड दीजिए, मतलब उसको चबाना नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ उसको मुंह में दीजिएगा वो उसका अंदर चला जाएगा। ही डोंट हैव टू बाइट और ही डोंट हैव टू उसके ऊपर उसको कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, वो सीधा उसको गले के अंदर से पेट के अंदर चला जाएगा। और दोस्तों 1/4 पोर्शन ऑफ ब्लांट फूड देना पड़ेगा, छोटा छोटा पोर्शन में। अगर मान के चलिए कि आपका पेट का सारा दिन का रिक्वायरमेंट है 400 ग्राम्स, तो चिकन राइस जो 400 ग्राम्स का आप बनाइएगा वो एक साथ देने से नहीं चलेगा, उसका जो गट है मतलब उसका जो इंटेस्टाइनल जो हेल्थ है उसको ठीक करने के लिए उसको थोड़ा रेस्ट देना पड़ेगा, तो छोटा छोटा पोर्शन में देना पड़ेगा। अगर 400 ग्राम्स सारा दिन का खाना है तो उसका 1 पोर्शन दीजिए 100 ग्राम्स और उसको बार बार दीजिए। ऐसा करके ये तीनों मैनेजमेंट एक के साथ आप इसके साथ फाइट कर सकते हो और विद इन 15-20 डेज आपका पेट कंप्लीटली क्योर हो जाएगा और नॉर्मल टाइम में आ जाएगा। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कितना जल्दी इसको डिटेक्ट कर पाते हो इसके ऊपर डिपेंड करता है सक्सेस रेट कितना होगा। अगर प्राइमरी स्टेज में होता है तो 90% सर्वाइव कर जाता है, अगर सेकेंडरी स्टेज या सेकेंड स्टेज में होता है तो 75-80% सर्वाइव कर जाता है, अगर लास्ट स्टेज में है तो अनफॉर्चुनेटली 50-50 चांसेस आ जाए। तो दोस्तों कभी भी लूज मोशन है उसको नजरअंदाज मत कीजिए और उसका जो लूज मोशन है वो जाके डॉक्टर को बताइए उसका कलर कैसा है, आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए नजर रखिए और उसके हिसाब से आप उसका लाइन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन तैयार कीजिए और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड कीप लुकिंग फॉर अगेंस्ट दिस कैनाइन कोरोना डेडली वायरस व्हेनेवर योर पपीज इज गेट अफेक्टेड विद डायरिया। थैंक यू सो मच।